हे गाइस, मेरा नाम आदिल अंसारी और आप देख रहे हैं टेक वर्ल्ड टीवी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ। मेरा नाम आदिल है और मैं BZU बहुत इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इंजीनियरिंग के अंदर IT के, और अब मैं जॉब का वेट कर रहा हूँ अपनी। तो यूट्यूब चैनल मैं लास्ट 5 मंथ से रन कर रहा हूँ और फर्स्ट टाइम है कि मैं ऑन कैमरा आया हूँ। अभी तक मेरा था कि 1K सब्सक्राइबर्स हो जाए मेरे, तो देन उसके बाद मैं ऑन कैमरा हूँ और ऑन कैमरा रिव्यूज़ दिया करूँ आपको। और मेरी ट्राई ये होती है कि हाई क्वालिटी कंटेंट दूँ। मेरी आवाज़ इतनी क्लियर नहीं है क्योंकि मैं हैंड्स फ्री ये वाली यूज़ करता हूँ और मेरे पास माइक नहीं है अवेलेबल, तो ट्राई करता हूँ कि जल्द से जल्द मेरा माइक आ जाए तो आपको आवाज़ से जो डिस्टॉर्शन है और जो नॉइस में जो होती है वो कम हो जाए। और अभी डिफरेंट सोर्सेज से मैं डाटा कलेक्ट करता हूँ, उसको कंपाइल करता हूँ, देन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो मेरी ट्राई है कि अच्छे से अच्छा क्वालिटी कंटेंट दूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट कंटेंट दूँ आपको, और फैक्ट्स एंड फिगर्स बेस्ड हो, कोई चीज़ें ना हो जो गलत हों। मेरा ये होता है कि मैं अच्छी से अच्छी चीज़ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। और वैसे मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ वैसे मैं, और आवाज़ मेरी इतनी खास नहीं है, मुझे पता है कि इतनी क्लियर नहीं होती। और फेस आपने फर्स्ट टाइम देख ली है। आज जो मैं आपके लिए रिव्यू लेके आया था वो top 4 कैमराज, जो स्मार्टफोन कैमराज जो अभी तक बहुत अच्छे हैं उनके ही मैं आपके लिए डिफरेंट कंपेरिजन लेके आया, जिसके अंदर गूगल पिक्सल 3 XL है, गलेक्सी नोट 9 है, iPhone 10X Max है और हवावे P20 Pro है। तो आज इसके ऊपर मेरे वीडियो है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। कीप सपोर्टिंग मी। और टेक वर्ल्ड TV एक आपका अपना चैनल है, इसमें आप अपने दिल खोल के कमेंट्स करें, जो आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। और मैं कमेंट्स को बुरा नहीं मानता क्योंकि हर बंदे को अपनी ओपिनियन है ज़्यादातर देने की, तो ट्राई करूँगा कि आपको अच्छी चीज़ ही मिले। और थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक वर्ल्ड TV, कीप सपोर्टिंग मी। और जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको अच्छी लेटेस्ट टेक वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 4 डिफरेंट फोन्स के पिक्चर्स हैं, गूगल पिक्सल 3, नॉट 9, iPhone 10X Max और हवावे P20 Pro के। अब इसके अंदर हम सारा कुछ देखें, कंट्रास्ट, सैचुरेशन और डायनामिक रेंज, ब्राइटनेस, तो सबसे कंट्रोल्ड पिक्चर जो नज़र आ रही है वो गूगल पिक्सल 3 के ऊपर है। आप इसका ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, बहुत अच्छा कंट्रास्ट इसमें मैनेज किया हुआ है। कार के जो नीचे रेड कार है उसको बहुत अच्छा हाईली कंट्रास्टेड है। पीछे डायनामिक रेंज भी बहुत अच्छी है, नॉट 9 में भी डायनामिक रेंज बहुत अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट को इतना क्लियर नहीं किया हुआ। अगर हम 10X Max की बात करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट को उसने बहुत ज़्यादा लाइट कर दिया है और जो डायनामिक रेंज है वो भी क्लियर नहीं है। क्लाउड जो है उसके अंदर नज़र सही नहीं आ रहे, वाइट क्लाउड कर दिए हैं। स्काई जो है बिल्कुल लाइट कर दिया गया है। हवावे में Mate 20 Pro में बिल्कुल अच्छी तस्वीर नहीं आई। पीछे जो उसने जो डायनामिक रेंज है वो जो क्लाउड है वो वाइट हो गए हैं और जो हमें स्काई है वो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा। इस पिक्चर में आप देखें कि जो डिफरेंट फ़ोन्स के डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, लेकिन मुझे इसमें भी जो अच्छा परफॉर्म करता नज़र आ रहा है, जिसकी पिक्चर अच्छी लग रही है, वो गूगल पिक्सल XL 3 की ही लग रही है। नॉट 9 ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और हवावे मेट 20 प्रो के जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे ज़्यादा क्लियर हवावे मेट 20 प्रो का ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। 10X Max में भी बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है और जो डायनामिक रेंज उसकी भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से सारे फ़ोन ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये बहुत ट्रिकी पिक्चर है, बहुत ट्रिकी इसमें रिजल्ट आ सकते हैं। गूगल पिक्सल 3 बहुत अच्छा कंट्रास्ट मैनेज किया हुआ है, नॉट 9 ने भी बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है, iPhone 10X ने थोड़ा सा लाइट कर दिया है कंट्रास्ट को, लेकिन पिक्चर उसकी भी बहुत अच्छी है। हमारे Mate 20 Pro भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसका भी अगर हम चारों का अगर कलर देखें तो इसमें से जो कंट्रोल कलर लग रहे हैं मुझे वो नॉट 9 के लग रहे हैं। थोड़ा सा सैचुरेशन मुझे ज़्यादा लग रही है पिक्सल 3 में, और iPhone 10X और Note 9 के कलर बहुत अच्छे लग रहे हैं। लाइटनेस में अगर आप देखें तो P20 Pro थोड़ा सा लाइट है, बाकी आप पे डिपेंड करते हैं पर्सनल प्रेफरेंसेस। इधर भी सारे फ़ोन्स अच्छा परफॉर्म करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन Note 9 यहाँ पे डार्क कलर शो कर रहा है, कंट्रास्ट इसका बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है, इसलिए मेरे ख्याल से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो इस रूम में जो नज़र आ रही है वो iPhone 10X Max की है, उसके बाद Pixel 3 और P20 Pro और Note 9 है। तो मेरे ख्याल से ये पिक्चर iPhone 10X Max पे जाती है। ये लास्ट पिक्चर को ही जूम करके जो विंडो के पर्टिकुलर को जूम किया गया है, तो सबसे अच्छा जो कंट्रोल पिक्चर नज़र आ रही है वो गूगल पिक्सल 3 की है। डिटेल्ड बहुत अच्छी है इसकी,
आपको वाजे चीज़ें नज़र आ रही हैं। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो नोट 9 में बहुत क्लियर चीज़ें आ रही है, आईफोन 10X मैक्स में बहुत ज़्यादा वाइट कर दिया है, ब्राइटनेस बहुत नज़र आ रही है, ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है। P20 Pro में भी इसी तरह है, तो इनको थम्स देना पड़ेगा पिक्सल 3 को और नोट 9 को, इन दोनों लीड कर रहे हैं। ये भी बहुत ट्रिकी सिचुएशन है यहाँ पे। अगर आप ऑब्जेक्ट को देखें, सबसे ज़्यादा क्लियर ऑब्जेक्ट जो मेरे ख्याल से दे रहा है वो P20 Pro है। बहुत कंट्रोल्ड पिक्चर है इसकी, कंट्रास्ट बहुत अच्छा है, सेचुरेशन बहुत अच्छी है, और सबसे मज़े की चीज़ ये है कि इसके डायनामिक रेंज बहुत ज़बरदस्त है। जो नोट 9 है उसने डायनामिक रेंज को ऊपर से आप देखें स्काई उसने ब्लैकिश में ले आया है। पिक्सेल 3 भी जो है वो कंट्रोल पिक्चर नहीं ला पाया, 10X मैक्स में भी नज़र आ रहा है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसको थोड़ा उसने वाइट कर दिया, ब्राइट कर दिया थोड़ा सा, जो कंट्रोल्ड और जो आंखों को अच्छी लग रही है, जो सेचुरेशन के साथ और आपकी ब्राइटनेस कंट्रोल्ड मुझे लग रही है वो P20 Pro है इसमें, तो आई थिंक P20 Pro को थम्स बनता है इस पर। ये बिल्डिंग की पिक्चर है, अगर आप देखें इसमें सबसे ज़्यादा क्लियर पिक्चर जो ऑब्जेक्ट को क्लियर रखा है जिसने, वो मेरे ख्याल से पिक्सेल 3 ही है जिसने पिक्चर को कंट्रोल रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रिकी डायनामिक रेंजेस हैं, अगर आईफोन 10X को देखें आप, तो उसने स्काई बिल्कुल ही वाइट कर दिया है, तो इधर डायनामिक रेंज आईफोन की बिल्कुल सही नहीं है। नॉट 9 ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन स्काई इसका जो है ग्रेश में है पीछे से, लेकिन उसका आप देखते हैं कि अगर कंट्रास्ट बहुत अच्छा है, और जो जो डायनामिक रेंज में आप क्लाउड देख रहे हैं राइट साइड के अंदर वो वाइट हैं और ग्रे ग्राउंड है, तो इसलिए मुझे नॉट 9 की पिक्चर इनमें से सबसे अच्छी लग रही है। और उसके बाद P20 Pro को देखें आप, उसने जो जो स्काई है वो बहुत ज़्यादा ग्रे कर दिया है, तो इस वजह से ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर है लेकिन स्काई बहुत ज़्यादा ग्रेश में है, तो मेरे ख्याल से थम्स अप बनता है नॉट 9 को। ये लो लाइट के अंदर फ्रूट वेजिटेबल की तस्वीर है, अगर आप देख सकते हैं पिक्सेल 3 ने जो कंट्रास्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे एज़ कम्पेयर टू और अदर तीनों से। नॉट 9 में भी कंट्रोल्ड है, आईफोन 10X बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इधर, एग्जैक्टली कलर दे रहा है, P20 Pro भी अच्छे कलर्स दे रहा है, लेकिन थोड़े से इसमें पिंकिश कलर नज़र आ रहे हैं। मेरे ख्याल से इधर सबसे जो परफॉर्म कर रहा है वो आईफोन 10X मैक्स है, उसके बाद नॉट 9 परफॉर्म कर रहा है, बहुत कंट्रोल्ड कलर दे रहा है। ये गेन लो लाइट बार इंटीरियर की पिक्चर है। गूगल पिक्सेल 3 ने ऑसम परफॉर्म किया इधर, नॉट 9 भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आईफोन 10X मैक्स थोड़ा सा लैग कर रहा है अपनी लो लाइट के अंदर, P20 Pro भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आई थिंक सो थम्स अप बनता है गूगल पिक्सेल 3 को। बहुत कंट्रोल, बहुत अच्छी पिक्चर दी है, उसकी आप बॉटल्स देख सकते हैं बहुत क्लियर है, तो मेरे ख्याल से सारे फ़ोन बहुत अच्छा परफॉर्म करें, किसी ने कहीं अच्छी जगह परफॉर्म किया, किसी ने कहीं अच्छी जगह परफॉर्म की है, पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, कोई आईफोन 10X मैक्स को बहुत प्रमोट करता है, कोई गूगल पिक्सेल 3 को, कोई नॉट 9 को, कोई P20 Pro को। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये कंपैरिजन पसंद आया होगा।